Let us see. Yesterday we had discussed, or what is previously you may call. Previously we have discussed about the rules of interrogative. Some certain changes that we have already discussed. We have discussed that words expressing, word expressing nearness, word जो express करेगा nearness वो क्या हो जाता है, nearness change into जो वर्ड नियरनेस को प्रयोग करता है, चेंज इनटू डिस्टेंस दूरी की तो डिस्टेंस, द वर्ड दैट एक्सप्रेस नियरनेस जो नजदीक को दिखाता है इनडायरेक्ट में उसको हम डिस्टेंस में बदल देंगे नियरनेस से, जैसे नाउ चेंज इनटू देन हेयर बिकम देयर सर बोर्ड इज नॉट क्लियर, क्या हुआ, वर्ड जो है एक्सप्रेसिंग, वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, ओके लेट मी सी क्यों नहीं दिख रहा, सपोर्ट नहीं दिख रहा, मैं एक लाइट और ऐड करता हूं, वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस अब दिखा, नॉइज इज विजिबल, नो सर, वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस, वर्ड जो है एक्सप्रेस जो कर रहा है नियरनेस को, वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस, क्लियर है, अब ठीक है, वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस, ये नियरनेस को एक्सप्रेस करने के लिए डिस्टेंस, नाउ चेंज इनटू देन, हेयर बिकम देयर क्या क्या चेंजेस होंगे देखते जाइए, नाउ विल चेंज इनटू देन, हेयर विल चेंज इनटू देयर, टुडे दैट डे, टुडे जो है वो दैट डे में बदल जाएगा, हेयर जो है वो देयर में बदल जाएगा, टुडे विल चेंज इनटू दैट डे, अगो चेंज करके बन जाएगा बिफोर में, अगो विल चेंज इनटू बिफोर, दस विल चेंज इनटू सो, दस जो होगा सो में चेंज कर जाएगा, ठीक है ना, टुडे बिकम दैट डे, टुमारो बिकम नेक्स्ट डे, लिखते जाइए, टुमारो बिकम नेक्स्ट डे टुमारो जो है वो नेक्स्ट डे में बदल जाएगा, टुमारो विल चेंज इनटू नेक्स्ट डे, क्लियर है, टुमारो विल चेंज इनटू नेक्स्ट डे, टुमारो किस चीज में बदल जाएगा, नेक्स्ट डे में बदल जाएगा, ओके टुमारो विल चेंज इनटू नेक्स्ट डे,
यस्टरडे विल बिकम प्रीवियस डे, यस्टरडे होगा द डे बिफोर, यस्टरडे क्या कहते हैं तुमको, टुडे, टुडे दैट डे, टुमोरो tomorrow will change into the next day, the next day, yesterday jo hai wo change karke ban jayega the day before. Yesterday, the night. So this will change. Today will change into that day. Tomorrow will change into next day. And yesterday will change into the day before. Understood? Today will change into that day. Tomorrow will change into the next day. And yesterday will become the day before. These are the certain changes that will be made. Okay? Is it okay or not? Now see. We have already discussed interrogative sentence. Today we will see sentence of command and request. Sentence of command and request. Sentence of command request कैसे बनाएंगे आप लिखेंगे हम लोग. We have already learned interrogative sentence. Interrogative sentence are very easy. Asked or required is added. And in modal auxiliary, if ya whether is added. That is not used. These things to be kept in the mind. Now come to the sentence of order and request. Here you see, sentence of order and request. Please note down. Rule number one. Contents of request and command. In reporting, in reporting, command and request. In reporting, command and request. When we are reporting command and request, जब हम लोग request और command को ये करेंगे. In reporting, command and request. क्या करेंगे हम लोग? क्या होता है कि देन द इनडायरेक्ट स्पीच, द इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच जब हम वेन एवर हम लोग सेंटेंस ऑफ कमांड रिक्वेस्ट को रिपोर्ट करेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को ऐड करेंगे. क्या करेंगे? We add some verbs, some expressing verbs, some verbs expressing कुछ ऐसे verbs को हम expressing करेंगे command and request.
व्हेनेवर, हियर यू सी, जब हम लोग कमांड रिक्वेस्ट को यूज करेंगे बच्चों, हियर यू सी, व्हेनेवर वी आर यूजिंग रिपोर्टिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच इज इन डायरेक्ट. तो इन रिपोर्टिंग कमांड और रिक्वेस्ट, ठीक है ना, रिक्वेस्ट द, ठीक है ना, रिक्वेस्ट इन डायरेक्ट स्पीच सम वर्ब्स आर यूज्ड, सम वर्ड्स आर एक्सप्रेस्ड लाइक कमांड और रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, दी ऑर्डर्ड, क्या क्या यूज करेंगे, ऐसा यूज करेंगे हम कमांडेड. वी मे यूज द वर्ड कमांडेड, रिक्वेस्टेड, 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 कमांडेड. ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, ओके, वांटेड, कुछ भी, ये तीन कॉमन चीजों को हम यूज कर सकते हैं. कमांडेड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड एंड ऑर्डर, इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस वेदर इट इज अ सेंटेंस ऑफ रिक्वेस्ट, इट इज अ सेंटेंस ऑफ कमांड और इट इज अ सेंटेंस ऑफ ऑर्डर. Here you see the example. Let us see the example. See the example. See the example. Ram said. Ram said to Arjun. Ram said to Arjun. Go away. Go away. Ram said to Arjun, go away. अब बेटा इसमें देखो that वगैरह भी नहीं लगा सकते, सिर्फ to लगा देना है, कुछ नहीं करना है, ये पूरा का पूरा इसी तरह से रह जाएगा. क्या हो जाएगा, राम सेट को चेंज करेंगे किस इसमें, ऑर्डर्ड में, कमांडेड में या रिक्वेस्टेड में. तो राम यहाँ गो अवे ऑर्डर्ड है, तो राम कमांडेड, राम ऑर्डर, या ठीक है, कमांडेड भी ठीक है, राम ऑर्डर्ड, राम ऑर्डर्ड अर्जुन, अर्जुन टू गो अवे, कुछ नहीं, सिर्फ इसमें क्या कर दिया मैंने, राम सेड को बदल दिया गया, राम सेड टू अर्जुन, तो राम ऑर्डर्ड या कमांडेड अर्जुन टू गो अवे, इसमें सिर्फ गो अवे, टू गो अवे, नो चेंज, ओनली टू विल बी गिवेन. राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे. नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू हिम, ही सेड टू हिम, प्लीज, प्लीज वेट हेयर, प्लीज वेट हेयर टिल आई रिटर्न, टिल आई रिटर्न. फिर यू सी क्या होगा बेटा, कौन बनाएगा इसको, प्लीज है, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, जब प्लीज है तो यहां पर रिक्वेस्टेड हो जाएगा. ही सेड टू हिम, ही रिक्वेस्टेड हिम, सिंपली हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हिम, ये सेड टू हिम के जगह पर यहां प्लीज है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा. He requested,
he requested him to wait. To wait. Here will become there. Wait there till I, so till he returned. Till he returned. Here you see. Very simple. He said to him, यहाँ पर प्लीज लगाओ ना बेटा, तो इसका मतलब रिक्वेस्टेड हो गया. He requested him to wait. Here will become there till I will become he. Return का returned हो जाएगा. He requested him to wait there. Here will become there till I become he. Till he returned. Please note down fast. He requested him to wait there till he returned. Next example. Next example. We'll see the next. Next example. The judge said. The judge said, call the first witness. Call the first witness. अब देखिए, simple है. The judge said, call the witness. सीधा सेंटेंस. द जज से कॉल द विटनेस. क्या है बेटा इसमें? कमांड है या ऑर्डर्ड है? यू कैन यूज द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द विटनेस. द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस. जज ऑर्डर करता है तो the judge ordered to call the first witness. कोई चेंज नहीं, बहुत आसान है. देखो है ना, द जज, ये क्वेश्चन हुआ, ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट DR और ये इनडायरेक्ट है. तो जज ऑर्डर टू कॉल द फर्स्ट विटनेस. द जज ऑर्डर टू कॉल या द जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस. नो प्रॉब्लम, इसी तरह से बना सकते हैं. वन मोर एग्जाम्पल. ये इस बार तुम लोग बनाओगे, दिस टाइम यू विल ट्राई टू सॉल्व दिस. He shouted. He shouted. He shouted. Let him go. Let him go. Yeah, let me go. He shouted. Let me go. कैसे बनेगा बेटा? कौन बनाएगा? जल्दी बनाइए. He shouted, let me go. He requested to let him go. अरे shout है यार. Shouted को shouted है नहीं, तो क्या जरूरत है रिक्वेस्ट करने की? He shouted to let him go. हाँ, सिंपल shouted रहने दो. जहां कुछ नहीं समझ में आए वहां वही वर्ड रहने दो. He shouted. किस पर? He shouted to them. किस पर? उन लोगों पर चिल्लाया कि मुझे जाने दो. He shouted to them.
टू लेट हिम गो, टू लेट हिम गो, हो गया, लेट हिम गो, एक सेंटेंस दे रहा है, फिर से बनाइए, प्लीज डू. He said. Be quiet. He said, be quiet. And listen to me. Listen to me. कौन बनाएगा? He said, be quiet and listen to me. Sir, he said to he be ordered quiet to be quiet and listen to him. He ordered to be quiet and listen to him. Ordered भी ठीक है, very good. Be quiet and listen to him. He requested to be quiet and listen to me. ऐसे भी हो सकता है. एक और जो बड़ी तरह से he urged. ठीक है ना? He said, किसको कहा? Them. He requested them. Them चू बोल रहे हो तुम लोग. तो he urged, इस तरह के सेंटेंस में किसको कह रहा? लोगों को. He urged. You urged them. इस तरह से कहा. He urged them. He urged them to be quiet. To फिर यही पूरा रह जाएगा टू बी क्वाइट एंड लिसन 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 टू हिज वर्ड्स एंड लिसन टू हिम एंड लिसन टू हिम. हो गया ना? देखा देखा ना कैसे हुआ? तो ये याद रखना है क्लियर है सेंटेंस ऑफ ऑर्डर रिक्वेस्ट एंड कमांड. एनी प्रॉब्लम? नो सर. चलिए अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में. खत्म कीजिए जल्दी जल्दी, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज बताने हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेशन अब देखिए एक्सक्लेमेशन में क्या क्या होते हैं. हम लोग एक्सक्लेमेशन में एक्सक्लेम्ड नर्विस कर सकते हैं. एक्सक्लेम्ड विथ एक्सक्लेम्ड यूज क्या क्या करते हैं? एक्सक्लेम्ड 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 विश्ड विश्ड अप्लाउडेड Applauded. ठीक है ना? अब देखिए He said, bravo. He exclaimed with happiness. He exclaimed with sorrow. सिंपली आप हम लोग इस तरह से बना सकते हैं exclaimed with happiness. Exclaimed sadly. Exclaimed with happiness. Okay. Generally we may use this kind of thing. See the example. First of all, what is the sentence of exclamation? An exclamatory sentence is those sentences that express sudden joy.
sudden wish, sudden realization. Exclamatory what? When suddenly you feel sudden happiness, sudden joy, sudden embousing. You are sitting in an amphitheater and suddenly you see that your team has won. This is a sudden feeling. When exclamatory means you are filled with sudden feeling. Here you see the example. Number one. Number one. He said, alas. He said, alas, I am undone. He said, alas, I am undone. Kaun banayega isko? He said, alas, I am undone. So he exclaimed sadly, simple. He exclaimed sadly that he was undone. ठीक है ना? Here you see, आप इस तरह से बना सकते हैं. He said alas, यहां sadness है. तो he exclaimed sadly. या इस तरह से भी ही एक्सप्लेन विथ सैडनेस, उससे बढ़िया है आप विथ सैडनेस के अलावा डायरेक्ट एडजेक्टिव बना दे. ही से ही एक्सप्लेन सैडली दैट ही वॉज अनडन. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पहला देख लिया आप लोगों ने, प्लीज नोट डाउन. ही सेड अलास आई एम द अनडन. ही एक्सप्लेन सैडली दैट ही वॉज अनडन. क्लियर हो गया? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नोट करते जाइएगा बेटा, नोट करते जाइएगा. रोहित सेड हाउ क्लेवर आई एम. ये देखिए, इसका पहचान होगा एक डंडा के नीचे एक अंडा, दैट इज आप पहचानने की एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही पहचान होती है विद दिस. ये और इसके नीचे ये, तो रोहित से हाउ क्लेवर आई एम. कौन बनाएगा इसको? यस, रोहित एक्सक्लेम्ड हाउ क्लेवर ही वॉज. वेरी गुड. अरे अच्छा, प्राउडली भी तो कह सकते हैं. ही एक्सक्लेम प्राउडली दैट ही वॉज ए क्लेवर मैन, दैट शी वॉज वेरी क्लेवर. हाउ क्लेवर को स्टेटमेंट में बना देंगे. हाउ को चेंज कर देंगे. रोहित, यहाँ पर देखिए बेटा, हाउ क्लेवर जो है इंट्रोगेटिव टाइप का है, इसको हम सिंपली स्टेटमेंट बना देंगे. तो रोहित एक्सक्लेम्ड दैट हाउ क्लेवर आई एम. एक्सक्लेम that he was very clever. ये देखिए, different time का था. How clever will change into simple. How clever का answer के that he was very clever. ठीक है ना? ध्यान से देखिए कि हाउ क्लेवर कैसे बदल गया.
एक और सेंटेंस इस तरह का बनाइए, रोहित सेड व्हाट ए स्टूपिड क्रिएचर ही वॉज। मान लीजिए मैंने इसी को कर दिया, रोहित सेड, इसको चेंज कीजिए, देखिए बनाइए, व्हाट अ स्टूपिड, व्हाट ए स्टूपिड बॉय ही इज। अब देखिए कैसे बनाएगा, बनाइए। यस एनीबडी, हाउ क्यों रहने देंगे यार, सिंपल इसको स्टेटमेंट बनाओ ना। रोहित एक्सक्लेम्ड एंगेली दैट ही वॉज ए स्टूपिड बॉय। सिंपल, दैट ही वॉज ए स्टूपिड बॉय, ऐसे बनाओ। रोहित एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट ए स्टूपिड बॉय ही इज। तो आंसर हो जाएगा दैट ही वॉज ए स्टूपिड बॉय। रोहित एक्सक्लेम्ड दैट He was a very stupid. That he was a very stupid boy. ऐसे बनेगा बाबू, इसमें जरा से तुम लोग जरा केयरफुल रहो, ठीक है ना, इस पर जरा सा ध्यान देना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। सो प्लीज रिवाइज, टुमोरो ऑल्सो आई विल डिस्कस, टुमोरो इज 26, इफ देर विल बी क्लास आई विल डिस्कस, देन अगेन इफ नॉट देन ऑन थर्सडे वी विल डिस्कस इट। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।